जी, आई एम हेयर विद सीईओ ऑफ आरपीके, मिस्टर शान. शान, आपकी जो जर्नी मैं जानता हूँ अब तक फ्रॉम लास्ट 4-5 ईयर्स, जब से मैं आपको जानता हूँ, और फर्स्ट टाइम जब मैं इधर आया था, जो मैं लास्ट 4-5 ईयर्स पहले यहाँ पर आया था, तो मैं दोस्तों से भी ये चीज़ शेयर कर दूँ. इट वाज जस्ट लाइक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट थी यहाँ पे और एक हॉस्पिटल बनने जा रहा था, और उस वक्त कुछ बड़े बड़े ड्रीम्स भी थे शान के, पैशन भी था, जो ऑलरेडी आप इससे काफ़ी अरसे से इससे मुंसलिक हैं. लेकिन इस पूरे 4 से 5 साल गुजरने के बाद जब मैं यहाँ आता हूँ, तो एक फुली फुल फ्लैश्ड, एक बहुत ही अच्छे, एक आप कह सकते हो इसको कि एक इंटरनेशनल लेवल के आपके पास हॉस्पिटल नज़र आता है, आपके पास बेहतरीन स्टाफ नज़र आता है, ज़बरदस्त डॉक्टर्स नज़र आते हैं, बहुत ही अच्छी कस्टमर सर्विस नज़र आती है. तो मैं यकीनन ये सब कहने का मकसद भी है कि ये सब लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यहाँ तक पहुँचने में आई नो इट took long way, बहुत सारा hard work भी है इसमें, सब कुछ है. तो let's meet CEO of RPK, Mr. Shan. Shan, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. शान, सबसे पहले मैंने ब्रीफली लोगों को थोड़ा सा बताया, लेकिन आप थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दें कि ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और आज हम लोग कहाँ खड़े हैं. ये जर्नी एक अनफॉर्चुनेट एक बैड एक्सपीरियंस से स्टार्ट हुई, एक इंसिडेंट से. सिंस आई वॉज यंग, लाइक क्लास 6-10 साल का था, तब से स्टार्ट कीपिंग एनिमल्स, और शुरू से बचपन से ही बहुत ज़्यादा जानवरों का मैं शौकीन रहता था. नॉट ओनली डॉग्स एंड कैट्स, अदर एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल आप ले लें कैट्स, आप ले लें गोट्स, आप ले लें चिकन्स, आप ले लें रैबिट्स, आप ले लें काउज एंड बफलोज. मुझे शुरू से ही ये सारे जो एनिमल से रिलेटेड एनवायरनमेंट्स हैं, चीज़ें, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, और बचपन से जानवर रखने का बहुत शौक था. इसी तरीके से शुरू से मैंने, जब मैं आऊँ क्लास 6 और 7, तब से मैंने कुछ एनिमल्स रखने शुरू किए घर में. शुक्र अल्लाह का कवर्ड एरिया इतना ज़्यादा था कि मैं अपना वो शौक़ पूरा कर सकता था, तो मैंने बकरे भी रखे, मैंने घोड़े भी रखे, मैंने चिकन्स भी रखी, और डॉग्स एंड मंचरी, आई लव देम ऑल. तो 6-7 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ, क्योंकि एक पेट इंडस्ट्री में पाकिस्तान में एक बूम आना शुरू हुआ इंपोर्ट की तरफ से. एक टाइम था जब आप कराची में या पाकिस्तान में सिर्फ कोई लिमिटेड डॉग्स देखते थे, लिमिटेड ब्रीड्स देखते थे, जिसमें स्मॉल में आपके पास सिर्फ रशियन समोइट होते थे, और अब बिग ब्रीड्स की बात करें तो आपके पास सिर्फ जर्मन शेपर्ड, लैब्राडोर या रॉटवाइलर, ये 3-4 स्पेसिफिक ब्रीड्स थी जिसपे आपका सारा जो है वो पेट सर्कल जो इन्वॉल्व था. लेकिन इवेंचुअली टाइम आया जब आप नई ब्रीड्स को इन्वेंट करना शुरू किया, लोग इम्पोर्ट की तरफ जाने लग गए, उसमें आपने ग्रेट डेन्स मंगाने शुरू किए, बुल मास्टर्स मंगाना शुरू किए, एक अमेरिकन बुली, एक नई इवेंट जो कि अमेरिका से स्टार्ट हुई, वो आपने मंगाने शुरू किए. तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में आने शुरू हुई. तो मैंने भी एक 7 ईयर्स बैक एक अमेरिकन बुली अपने उस टाइम में एक सब फर्स्ट टाइम मैंने इम्पोर्ट किया, बहुत ज़्यादा पैशन और एक्साइटमेंट के साथ. दैट फीमेल वॉज प्रेगनेंट व्हेन इम्पोर्ट हर, उसकी डिलीवरी पाकिस्तान में होनी थी, जो कि मैं पहले से ही 5-6 साल से पेट्स रख रहा था, लेकिन मुझे इसकी कॉम्प्लिकेशंस का, चीज़ों का नहीं पता था, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था अपने उस टाइम पे, कि मेरी जो फीमेल थी उसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती थी, अनफॉर्चुनेट, जिसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं था या नॉलेज नहीं थी. बाई चांस मैंने कभी इम्पोर्टर से भी नहीं पूछा, बाई चांस उसने मुझे नहीं बताया, शायद उसको था कि मैं इम्पोर्ट कराऊँ तो मुझे उसकी इफ़ एंड बट से नो हाउ भी होगी उस ब्रीड के बारे में. एनीवेज ये सारी चीज़ें चलती रहीं, उसकी डिलीवरी का टाइम आया, उसकी लेबर स्टार्ट हुई. अनफॉर्चुनेटली वो रात के 10-11 के टाइम थे, और आप 6-7 साल पहले की अगर बात करें पाकिस्तान में या कराची में, क्योंकि हम फ्रॉम कराची, तो यहाँ रात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था क्लिनिक का. एक थ्योरी थी जितने भी क्लिनिक्स हों यहाँ पे फ्रॉम 9 to 1, उसके बाद 1 बजे वो सारे क्लिनिक्स बंद होते थे, और उसमें से कुछ क्लिनिक जो रीओपन होते थे उनके टाइमिंग 5 to 7 होते थे. तो डैट वॉज द मेन हार्ड कोर टाइम ऑफ द क्लिनिक्स विच आर वर्किंग. उसके अलावा अनफॉर्चुनेट अगर आप दोपहर में आपको कोई प्रॉब्लम हो, देयर वोंट बी नो क्लिनिक्स विल बी ओपन. आपको 8-9 बजे के बाद कोई प्रॉब्लम हो तो आपको कोई क्लिनिक नहीं पड़ेगा, कोई ओपन नहीं मिलेगा. अनफॉर्चुनेटली आप पूरे कराची में पागलों की तरह, मैं बोलूँगा कि घूमें, लेकिन आपको कहीं कोई एक्सपर्टीज, कहीं कोई क्लिनिक, कहीं कोई डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे. ये इंसिडेंट मेरे साथ भी हो, जब वो मेरी अमेरिकन बोली रात 10-11 बजे लेबर में आई, शी स्टार्ट डिस्चार्ज फ्लुएंट, और वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाई. मैं वो पूरी रात अनफॉर्चुनेटली घूमा, बहुत कोशिश की जो डॉक्टर्स हैं वो मुझे एंटरटेन करने लगे, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ. और ओवर द नाइट वो फीमेल मेरी पेन में रही, लेबर में रही, और वो डिलीवर नहीं कर पाई.
पूरी रात हम लोग परेशान रहे। सुबह मॉर्निंग जो नॉर्मल प्रैक्टिस है 9-10-11 बजे की, मुझे को डॉक्टर्स मिले, मैं वहाँ गया। डॉक्टर्स के पास अपने भी केसेस थे। इवेंचुअली मेरी जो फीमेल है उसका नंबर दोपहर 12-1 बजे तक आया कि उसका ऑपरेशन वगैरह जो भी स्टार्ट हो, और इट टुक अगेन 2-3 आवर्स। फिर वो 4-5 बजे तक वो सर्जरी खत्म। एंड ऑफ द स्टोरी ये थी कि वो सर्जरी के फीमेल इतनी देर से हुई वो सर्जरी कि मेरी फीमेल आफ्टर सर्जरी वो रिकवर नहीं कर पाई, और सर्जरी लेट होने की वजह से जो उसके बेबीज थे वो सारे जो है वो मर गए। एक दो जो लाइफ थे लेकिन वो एनेस्थीसिया की वजह से वो रिकवर नहीं कर पाए। तो मैंने वो इंसिडेंट की वजह से वो फीमेल भी खोई और वो मेरे सारे बेबीज भी मर गए। तो विच मेक मी वेरी सैड और लिटिल आई क्राइड लाइक हेल। 2-3 दिन मैं रोते ही रहा वो इंसिडेंट को लेके, कि वो मेरी उस वक्त की जो मेरा जो एक्साइटमेंट था मेरे शौक का वो एक पीक पे था, उस पर बहुत बड़ा मिसअप हुआ। और उसमें ड्रॉबैक यही आ रहा था कि अगर रात में वो सर्जरी हो जाती तो वो फीमेल भी बच जाती और माइट भी वो सारे लिटर भी बच जाते। तो वो दिन था जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि कराची में कोई एनिमल हॉस्पिटल होना चाहिए, जिस तरह इंसानों के पास एनिमल ह्यूमन हॉस्पिटल है जो ओवर द नाइट, ओवर द लेट आवर्स, बैड टाइम, गुड टाइम, वो खुले हैं आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन एनिमल्स के लिए कुछ नहीं है। तो उस वक्त मैंने ये सोचना स्टार्ट किया, कुछ डॉक्टर से भी डिस्कस किया जो ऑलरेडी इस प्रोफेशन में है, जिनके अपनी क्लिनिक्स रहते, बट नोबडी आई कैन से एडमायर माय डिसीजन या माय विजन के समथिंग इट शुड बी हैपन। इवेंचुअली मुझे किसी से तरफ से कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला, बट मुझे वो फील हुआ क्योंकि मेरे पास वो एक डॉग तो नहीं था, मेरे पास तो मैंने बताया नंबर ऑफ एनिमल्स थे। तो मैंने कहा आज ये पहली दफ़ा ये केस मैं जो है वो फील कर रहा हूँ या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, माइट भी किसी और के साथ भी हो और लोगों के साथ भी होता होगा जिनके पास पेट्स हैं, तो एक हॉस्पिटल होना चाहिए। तो वो एक इंसिडेंट था जिसने मुझे विजन दिया और उस विजन पर मैंने दिन रात काम करना शुरू किया। इट टुक लाइक 4-5 ईयर्स जो ये प्लानिंग और सारी चीज़ें चलती रही, क्योंकि मेरा मेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं था, मेरा ताल्लुक सिर्फ पेट्स से था, पेट्स की इंपोर्ट, पेट्स की न्यूट्रिशन, उनकी ग्रूमिंग, उनको रेस करने का, उनको पालने तक का, उनके इवेंट तक मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने बाद में सारा ये एक्सपीरियंस किया इन सब चीज़ों को लेकर। उसके बाद फिर वी स्टार्टेड टू हैव अ ड्रीम ऑफ दिस हॉस्पिटल और 5 साल लगे हमें ये विजन को कम्प्लीट करने में। और फिर 2016 की एंड में हमने जो है ये हॉस्पिटल की जो है ये बेस रखी, और 17 के अर्ली मंथ्स में हमने ये हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया। शान, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग, और बिहाइंड एवरी ब्यूटीफुल थिंग देर इज सम काइंड ऑफ पेन। तो ये इसकी जीती जागती एग्जाम्पल है, आई वुड से। तो अब इन तमाम सालों के बाद आरपी के कहाँ खड़ा हुआ है और क्या फैसिलिटीज इस वक्त कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है? देखिए, इट वॉज अ स्टार्ट एंड इट वॉज अ ड्रीम अगेन बाई प्लानिंग एन हॉस्पिटल। तो माई विजन वॉज टू हैव वन विंडो सोल्यूशन फॉर एवरी पेट ओनर, एक ऐसी जगह हो जहाँ पर सारी फैसिलिटीज मौजूद हों। अनफॉर्चुनेट कभी हम में से किसी के साथ भी प्रॉब्लम होता है कि हमें किसी क्लिनिक में किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जैसे कि हम अगेन हम ह्यूमन साइड का रेफरेंस इसलिए लेते हैं कि हमें वहाँ से एक्सपर्टीज मिलती हैं, कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो डॉक्टर फर्दर जो है वो डायग्नोसिस जो है रिकमेंड करते हैं इन शेप ऑफ एक्सरे, इन शेप ऑफ ब्लड टेस्ट, इन शेप ऑफ मेडिसिन, तो हमने क्या देखा कि जो बाकी क्लिनिक्स है वो आपको एक पेपर पे रेमेडी वगैरह लिख के देते थे, एक्सरे लिख के देते थे, आपको ब्लड टेस्ट लिख के देते थे, और इन केस आपका वो पेशेंट मतलब आपका वो पेट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है और सीरियस कंडीशन में है, वो ट्रैवलिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन सिंस आपके पास कोई सर्विसेज नहीं है, एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हों, तो आप क्या करते हैं, आप उसको उस वर्स्ट कंडीशन में लेकर ट्रैवल करते हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है कि फाइनेंशियली वी आर नॉट गुड इनफ कि वी हैव आवर ओन ट्रांसपोर्ट, तो हम क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, उसमें भी उसको कैरी करना, उसको उठाना, उसको लेके जाना एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हैसल और ट्रॉमा में जिस वक्त आप वो फेस करो कि आपका पेट एक बहुत ही वर्स कंडीशन में है, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, वो यू हैव नो डिसीजन टू मेक व्हाट इज़ गुड फॉर हिम और व्हाट इज़ बैड, बट यू हैव टू गो थ्रू इट, आपको वो सारी चीज़ें करनी जो डॉक्टर आपको बोल रहे होते हैं, वट एवर यू कैन फेस दैट और नॉट। इसी तरह हमने ये सोचा कि एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे इन हाउस आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हो, कोई भी सीरियस इमरजेंसी केस हो उसको उस पेशेंट को लेके भागना ना पड़े, आप उसी हॉस्पिटल में आके उसको सारी फैसिलिटीज़ दें। उसी चीज़ को सोचते हुए हमने कोशिश की हम ये वन विंडो सोल्यूशन रखें। इस हॉस्पिटल में हमने ओपीडी एक अलग सेगमेंट रखा, ओटी एक अलग रखी, ओटी में हमने कोशिश की फुली फर्निश ओटी रखें जिसमें आपके पास गैस मशीन, आपके पास एनेस्थीसिया होना चाहिए,
आपके पास वेंटिलेटर होना चाहिए, आपके पास ऑटोक्लेव होना चाहिए, और आपके पास अल्ट्रासाउंड और भी जो भी चीज़ें ज़रूरत की हैं जो एक ओटी में होनी चाहिए, हमने कोशिश की वो सारी हम नहीं रखी। उसके अलावा हमने एक अलग से एक लेबॉरेटरी भी बनाई। अक्सर डायग्नोसिस में प्रॉब्लम होता है, 2-3 दिन आप रेगुलर एक डॉक्टर के पास जो है वो चक्कर लगा रहे होते हैं अपने पेशेंट को लेके, लेकिन वो ट्रीटमेंट भी कर रहे होते हैं अपनी एक्सपर्टीज से, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप डायग्नोज नहीं कर पा रहे होते, इन शेप ऑफ पर्ल्स, इन शेप ऑफ उनके पैरासाइट्स, इन शेप ऑफ उनकी प्लेटलेट्स, ठीक है, जो कि आप टेस्ट के थ्रू ही पता करते हैं। अक्सर क्लिनिक्स में ब्लड टेस्ट नहीं होता, लेकिन डॉक्टर जो है वो अपनी एक्सपर्टीज से इलाज कर रहे होते, अपनी तरफ से नो डाउट वो अपना बेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो टेस्ट के थ्रू आपको जो है वो पता चलती हैं। तो उसके लिए हमने इन हाउस एक लेबॉरेटरी रखी कि विद इन फ्यू मिनट्स आप वो अपने ही हॉस्पिटल के अंदर से टेस्ट कंडक्ट करें, और फर्दर जहाँ से भी वो चीज़ें लायक हो रही हैं, इन शेप ऑफ ब्लड की जो चीज़ें होती हैं, पैरासाइट्स हो गए आपके, अगेन आपकी CBC हो गया, आपका लिवर फंक्शन हो गया, आपका RFT हो गया, वो चीज़ें ब्लड टेस्ट के थ्रू ही आपको पता चलती हैं कि कहाँ से जो चीज़ें लायक करें, कौन सी रेंजेस आपकी लो आ रही हैं, कौन सी हाई आ रही हैं, तो डॉक्टर अकॉर्डिंगली जो डैट रिपोर्ट्स फिर उसकी फर्दर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, और उससे ज़्यादा जल्दी रिजल्ट भी मिलता है। तो हमने कोशिश की हम लेबॉरेटरी भी रखें, हमारे यहाँ हमलोग एक लेबॉरेटरी भी है। दूसरा न्यूट्रिशन ग्रूमिंग एक और बहुत ज़रूरी एक्सपेक्ट है एक पेट के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि घर में हमने जानवर रखे होते हैं, लेकिन हम उसकी इतनी अच्छी टेक केयर नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से उनको टिक्स, जो एक बहुत कॉमन डिजीज़ है पाकिस्तान में या बाहर मुल्क में भी होती होगी, कि वो टिक्स हो जाती हैं, जो कि खून पीने वाले जो इंसेक्ट होते हैं जिसको हम टिक्स कहते हैं, वो हो जाती है अक्सर पेट्स को, और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकते हैं। अगर वो एक बहुत ज़्यादा उसमें हो जाए तो उनका बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, वो वायरल भी है, टिक फीवर आपने सुना होगा एक नाम है, जो कि अक्सर डॉग्स को कैट्स को हो जाती है, डॉग्स में ज़्यादा है, और वो एक स्टेज पर आ जाती है जिससे डेथ भी हो सकती है। तो वो ग्रूमिंग का एक चैप्टर आ जाता है। फिर आपकी उसकी डेंटल क्लीनिंग भी है, वी हैव योर डेंटल क्लीनिंग एज वेल, आप स्केलिंग कर सकते हैं, आप टूथ ब्रश से उनकी डेंटल क्लीनिंग भी कर सकते हैं, उसके स्पेशल एक ब्रश आता है उनकी टूथपेस्ट एक मेडिकली जो डॉक्टर्स ने बनाए हैं पेट्स के लिए, जो कि कैट्स एंड डॉग्स स्पेशली है, वो आपके पास है, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर मेडिकल है, फंगल है, बैक्टीरिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ग्रूमिंग में आती जो कि अलग डिपार्टमेंट है, हमने उसको भी कवर किया कि जो भी पेट्स आप घर में इन हाउस अच्छी तरीके से नहीं टेक केयर कर रहे हैं वो आप लेके आ सकते हैं। OPD आपकी यहाँ 24 घंटे यहाँ खुली है, अगेन दिस इज़ 24/7, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम टाइम देके नहीं आएगी, वो ये नहीं देखेगी कि आप हॉस्पिटल में इस वक्त जा नहीं सकते, या आपके जॉब आवर्स हैं, या आपके स्कूल आवर्स हैं, या आपके कॉलेज आवर्स हैं, या आपके बिजी शेड्यूल है। तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए कि आप जब भी कभी भी प्रॉब्लम हो बगैर किसी वेट के फ़ौरन वहाँ जा सकें। तो वी ओपन दिस प्लेस, दिस वॉज द फर्स्ट सेटअप इन कराची विच वॉज फंक्शनल 24/7, जिसके सारे डिपार्टमेंट 24 घंटे काम करें आपकी हेल्प के लिए। तो वी हैव एंटायर टीम, माशाल्लाह जब हमने स्टार्ट किया था we started with very limited people, it was 11 people who were working in this hospital, or it took like day and night, we try our best to help out, since we were new we tried to do our best, koi bhi apne cheez mein perfect nahi hota, aur ye aisa aisi cheez hai jo education aur learning kabhi bhi aapki khatam nahi hoti kisi bhi field mein। to hamare bhi start tha, humne bhi cheeze start ki, aise aise time by time hum cheeze apni improve bhi karte rahe, to aaj jo hum 2020 मैं बैठे ऑलमोस्ट 4 ईयर्स इस हॉस्पिटल को हो गए, तो आज माशाल्लाह से हमारे पास मोर देन 6 डॉक्टर्स विच आर वर्किंग इन 2 शिफ्ट्स, एंड अदर देन डॉक्टर्स वी हैव ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर 25 to 28 पीपल हु आर वर्किंग इन दिस हॉस्पिटल। तो माशाल्लाह से एक बहुत बड़ी टीम अल्लाह ताला ने डेवलप की है, जो मिल के इस फील्ड में बेटरमेंट ऑफ द एनिमल्स काम करिए। आई एम नॉट से कि वी आर एक्सपर्ट एंड बेस्ट एंड ऑल, बट वी डू आर ट्राइंग आर बेस्ट कि हम अपनी तरफ से 100% और बेस्ट डिलीवर कर पाएं इस फील्ड में टू हेल्प एनिमल्स। अदर देन दिस हॉस्पिटल आई हैव आल्सो सीन आपने कुछ और फैसिलिटीज़ जो इनिशियली भी थी, यहाँ पे एक शॉप थी जिसमें डाइटरी से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, सप्लाईज जो भी रिक्वायर्ड हैं पेट्स के लिए वो मौजूद थे, अभी आप उसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि मार्ट का क्या कॉन्सेप्ट है जो इस वक्त आने वाला है। जी देखिए, जैसे कि इंडस्ट्री बढ़ रही है, कैट्स डॉग्स के अलावा बर्ड्स और एग्जॉटिक पेट्स भी हैं जो पाकिस्तान में मैंने देखा है पिछले 2-3 सालों में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इस तरफ आ रहे हैं पेट्स रख रहे हैं। माइंड भी कि लोग घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और उस घर पे टाइम स्पेंड करने के लिए वो अपने पैशन को, अपने शौक को जो है वो अपने लाइफ में लेके आ रहे हैं, और विच गिव यू रिलीफ एज वेल, और मुझे भी अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो ये रुझान बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए हमने ऑलरेडी एक पेट मार्ट जो है
छोटा सा एक हमने एक पोर्शन एक अपने हॉस्पिटल के अंदर ऑलरेडी रखा हुआ था जिसमें हमने कुछ सप्लाइज कुछ प्रोडक्ट्स रखी हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम बाई टाइम जब हमने फील किया कि दैट वॉज नॉट इनफ, एक कम्प्लीट रेंज होनी चाहिए एक पेट पार्ट की जो कि अगेन 24/7 होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट कभी होता है कि आप दिन में बिजी थे अपने काम की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से आप जो है अपनी पेट्स की कोई एसेसरीज कोई ग्रूमिंग कोई न्यूट्रिशन कोई फूड कोई सप्लाईज नहीं ले पाए, अब आपका पेट भूखा है या कोई उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है या कोई ऐसी चीज़ जो आपको बाय करनी, लेकिन अगेन टाइम इशू आ जाता है कि 7-8 बजे के बाद आपको कोई शॉप ऐसी खुली हुई नहीं मिलेगी। तो हमने इन्वेंट किया कि एक 24/7 जिस तरह एक हॉस्पिटल हमने खोला है एक कंप्लीट पेट मार्ट भी होनी चाहिए जिसमें आपके पास सिर्फ कैट्स या डॉग्स ही नहीं, इनफैक्ट बर्ड्स के रैबिट्स के हैमस्टर और भी जो एक्जॉटिक एनिमल्स हैं उनकी सारी प्रोडक्ट्स वो अवेलेबल हों, कि क्लाइंट को कभी भी किसी चीज़ की भी नीड हो एक्चुअली कोई एक जगह ज़रूर हो जहाँ पर वो जाए और वो जाके अपनी सारी जो नीडफुल चीज़ें हैं वो ले सके। तो RPK पेट मार्ट विल बी अ न्यू वेंचर इंशाल्लाह विच गोइंग स्टार्टिंग सून एंड ऑफ दिस मंथ, उस पर हम इनकी ओपनिंग करेंगे और हमारा प्लान यही है उस पर 1 विंडो मार्ट हो जिसमें आपको A to Z हर चीज़ हर एनिमल से रिलेटेड मिले। अदर देन दिस एक और चीज़ जो चैरिटेबल एक एरिया है आपका जिसको कॉज का नाम दिया जाता है, ये बेसिकली किस तरह से काम करता है? अभी रिसेंटली मैंने इस वीडियो में एक पेशेंट को देखा जो कि एक स्ट्रे कैट थी और उसको यहाँ लाया गया, बहुत अच्छी उसको फैसिलिटीज़ दी गई, तो कॉज के अंदर कोई सेपरेटली आप लोग काम कर रहे होते हैं, कोई कंसेशन होते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं स्पेसिफिकली इसके लिए क्या? जी कॉज एक NGO है विद द नेम ऑफ कराची एनिमल वेलफेयर सोसाइटी विच इज़ लीडिंग विद सम ऑफ आवर टीम मेंबर्स ओनली, लेकिन अगेन ये भी एक बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है विच इज़ नॉट एन ईजी एट ऑल, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि वो उस पर हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो फुली या फ्लैशली हम कह रहे हैं इसको हमने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन हम फिलहाल अपने हॉस्पिटल के रिसोर्सेज से उसको कवर अप कर रहे हैं और कॉज के थ्रू जो हमारे पास कुछ रेस्क्यू एनिमल्स आ जाते हैं अनफॉर्चुनेट जिनका कोई डोनर नहीं होता, जिनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, जो कोई छोड़ कर चले जाते हैं, वो कॉज के थ्रू हम उनको फंडिंग या 50% चैरिटी पे हम लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। कॉज को जो है मैं और मेरी टीम मिल के उसको सपोर्ट करी, वी हैवंट टेकन एनी एड्स अगेंस्ट दैट, जो खुद ही हमारे क्लाइंट्स में दोस्तों में से अगर कोई इसको सपोर्ट करना चाहे दे वांट टू चिप इन विद देयर साइड दे आर मोस्ट वेलकम, बट वी डोंट डिमांड एक्चुअली राइट नाउ बिकॉज हमने वो अभी फंक्शन नहीं किए प्रॉपरली। तो फिलहाल उसकी तरफ से एटलीस्ट जितने लिमिटेड एनिमल्स हम उनको एंटरटेन कर सकते हैं वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू एटलीस्ट उनको हम इलाज करें एंटरटेन करें। अगेन जो NGOs भी है उनको एक हॉस्पिटल या एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है क्योंकि जो केसेस आते हैं NGO में अक्सर वो हिट एंड रन वो अब्यूज और वो अबैंडन्ड केसेस आते हैं जो कि मिसट्रीटेड होते हैं या बुरी हालत में होते हैं और उनको कोई ना कोई डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल या कोई क्लिनिक की ज़रूरत होती है ताकि उनको फर्स्ट एड दे सकें। तो हम यही करें कि कॉस्ट के रेफरेंस से यहाँ पे भी जो लोग आते हैं लेके जो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते लेकिन वो लेके आ जाते हैं इधर तो हम कॉस्ट के थ्रू उनको एंटरटेन कर जाते हैं। ठीक है, एट द एंड कोई मैसेज कोई चीज़ और एड ऑन करना चाहते हो इसके अंदर? देखिए ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है एक एनिमल हॉस्पिटल, उसकी बहुत सारी चीज़ें अभी भी बहुत सारी चीज़ें हम ऐड ऑन करना चाहेंगे इंशाल्लाह। हमारा आगे प्लान DNA स्टार्ट करने का है, हमारा आगे प्लान एक्सरे स्टार्ट करने का है और भी उसके बाद कुछ चीज़ें हैं। वो टाइम बाय टाइम आपके गोल जो हैं आपके प्लान जो हैं वो चेंज होते रहते हैं एज़ पर एक्सपर्टीज एज़ पर टाइम एज़ पर नीड। तो फिलहाल हमने फोकस किया हुआ है कि हम इसमें दो चीज़ें ऑन बोर्ड करें, अपना DNA सेक्टर स्टार्ट करें, अपना एक्सरे स्टार्ट करें और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने ये दो चीज़ें हमारी पूरी कर दी तो फिर हम नई चीज़ें इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जो रुकती नहीं है, टाइम बाय टाइम चीज़ें आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती रहती है और आप चीज़ें जो है वो ऐड ऑन करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच शान फॉर योर टाइम, आपने बहुत बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन भी कर दिया हमारे व्यूअर्स के लिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।